सुनेंगे जो एक है नंबर नंबर आ गई उसकी गिनती भी तब होगी जब उसकी भेदाएं तैयार होगी। विष्णु बिना भुजाओं के कहा जाएगा? जो भुजाएं हैं चार, उन चार भुजाओं के मेल होने से विष्णु कहा जाता है। अगर चार भुजाओं में से एक भुजा खंडित हो तो खंडित भुजा वाले विष्णु देवता की पूजा होती है क्या? क्यों नहीं पूजा होती? खंडित मुक्ति पूजा होती है। क्योंकि एक सहयोगी रूपी विष्णु की भुजा भी अगर खंडित है तो स्वभाव संस्कार से विष्णु स्वरूप का मेल नहीं कहा जाएगा। इसलिए चारों आत्माएं संपन्न स्टेज में होनी चाहिए जो भुजा के रूप में कार्य करने वाली है। तो पहले जो अष्टदेव जो है तो पहले अष्टदेव संपन्न बने बाद में ब्रह्मांड में। अष्टदेव तो जन्म देने वाले हैं, उन अष्टदेव में एक ही है गिना जाने वाला जो सूर्यवंशी है, असल सूर्यवंशी, और बाकी तो सब दूसरे दूसरे वंश में आखिरी जन्म में गिर जाने वाले हैं। माया उनको हिलाए देती है। बाबा के अनुसार हिमालय पहाड़ बनाया नहीं गया है, हिमालय पहाड़ तो बना बनाया है। ऐसे ही जो राम सेतु बना हुआ है वो बनाया नहीं गया, वो तो ऑटोमेटिक बना बनाया था। ऐसे ही द्रौपदी कुंड बनाया नहीं गया, प्राकृतिक रूप से पहले ही वो कुंड बना हुआ था। ऐसे ही गोवर्धन पहाड़ बनाया नहीं गया, वो तो ऑटोमेटिक पहले से ही प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ऐसे ही जो देव आत्माएं होती हैं जब द्वापर में आती हैं तो द्वापर में वो पहले पहले भीत चित्र तैयार करती हैं, पहाड़ों की गुफाएं तैयार होती हैं, उन गुफाओं में मूर्तिकार अच्छे अच्छे चित्र तैयार करते हैं और उन चित्रों में शास्त्रों की सारी भाव भंगिमा भरी जाती है। माना ये प्राकृतिक रूप से बुद्धि ऐसी बनी हुई होती है कि बुद्धि में वही बातें चलती हैं संगम युग की, जो कि संगम युग में उन्होंने पार्ट बजाया है। पहले चित्र बनते हैं, चित्रों को देख देख करके फिर बाद में शास्त्र तैयार होते हैं और शास्त्र में भी उनके फिर इंटरप्रिटेशन तैयार होते रहते हैं। पहले ऋग्वेद यजुर्वेद वगैरह वेद बनते, फिर आरण्यक बनते, फिर शतपथ ब्राह्मण बनते, फिर उपनिषद बनते, फिर उनकी व्याख्याएं पुराण बनते, ऐसे करते करते विस्तार होता जाता है। उन शास्त्रों की कथा कहानियों के आधार पर फिर जहां जहां जैसा बना हुआ देखते हैं वही उसका नाम दे देते हैं। जैसे उन्होंने कंपिला के पास कोई गहरा कुंड देखा तो उसका नाम क्या रख दिया? द्रौपदी कुंड नाम रख दिया। ऐसे ही लंका और भारत के बीच में उन्होंने देखा कि ये हिस्सा ऊंचा ऊंचा है, पहले ऊंचा रहा होगा, बाद में समुद्र में जैसे वैसे दुनिया में गर्मी बढ़ती गई समुद्र का तल ऊंचा होता जाता है तो वो हिस्सा दब गया। लेकिन जो नाविक हैं वो तो जानते हैं इस रास्ते से जाएंगे तो टकराते हुए जाएंगे तो रास्ता छोड़ते गए, उन्हें पता चल गया इस रास्ते में वो टकराने वाला हिस्सा पड़ता है तो उन्होंने उसका नाम रख दिया राम सेतु। बाद में राम सेतु टूट गया बहुत वर्षों के बाद। ऐसे हिमालय पहाड़, हिमालय
हिमालय पहाड़ प्राकृतिक रूप से पहले से ही बहुत ऊंचा बना हुआ है और उस पर क्या जमा रहता है, बर्फ जमी रहती है। तो बेहद के अर्थ में उन्होंने हद का अर्थ लगा लिया कि सबसे बड़े से बड़ा रूप है हिमवान, जो पार्वती का पिता है, वो बड़े से बड़ा रूप है। और वो हिमवान की बुद्धि कैसी है, जैसे बर्फ जाम रहती है ऐसी उसकी भी बुद्धि जामड़ी बुद्धि है, इसलिए बैल का पार्ट दे दिया। तो हद की बातें उन्होंने बेहद में उठाई ली। बड़ी सी बड़ी नदी हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की है, ब्रह्मपुत्र नदी, और वो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है पहाड़ी इलाके में। लास्ट में आकर के जब गंगा उससे मिलती है तो वो सागर में मिल जाता है। तो जो नदी इस रूप में देखी कि बेहद ऊंचाई में बहती है और लास्ट में जब ज्ञान गंगा उसमें आकर के मिलती है तो सागर में मिल जाती है, ऐसी नदी के जो बनावट देखी उसका नाम उन्होंने ब्रह्मपुत्र गंगा रख लिया। और जो राम बन, जो नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। मुरली में बोला है जो राम सीता बनते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। इस मुरली के महावाक्य के अनुसार जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। अब लक्ष्मी नारायण टोटल कितने हैं, 8 तो सतयुग के हैं और जो मुख्य संगम का है नरसिंह नारायण वो मिला करके 9 हो गए। तो 9 लक्ष्मी नारायण और त्रेता में जाकर के 9 राम सीता बनते हैं। वो राम सीता और वो 9 लक्ष्मी नारायण वो सतयुग की स्थापना के हैं। सच्चाई है फिर भी उनमें, सच्चाई से स्थापना होती है या झूठ से स्थापना होती है? सच्चाई थोड़ी भी होगी तो स्थापना के निमित्त बनती है और झूठ होगा तो झूठ क्या करेगा, झूठ बिगाड़ेगा या बनाने वाला होगा, बिगाड़ने वाला होगा। तो त्रेता युग की जो 3 गद्दियां हैं बाद में, 9 के बाद कितनी बची, 3, वो 3 गद्दियां ऐसी हैं जो निराकार बाप शिव जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसका विरोध करने वाली, 3 बीज उपासना है। तो भाई भाई एडवांस ज्ञान तो पहले पहले लेते हैं। ब्रह्मा के बड़े से बड़े 4 पुत्र कहे जाते हैं लेकिन तीनों भाई विधर्मियों के बीज बनते हैं, उनमें कुछ न कुछ सच्चाई कम रह जाती है और झूठ का बीज जास्ती होता है। इसलिए वो सीढ़ी के चित्र में ध्यान से देखें कि सीढ़ी के चित्र में त्रेता की अंतिम 3 सीढ़ियां कटी हुई दिखाई गई। इसका क्या मतलब हुआ, खंडित सीढ़ियां हैं, खंडित राज्य हैं, विनाशकारी राज्य हैं, वहां भी विनाशकारी हैं। तो कलयुग के अंत में भी जो भगवान की बनाई हुई राजाई है, भगवान आकर के जो राजाई स्थापन करते हैं इस दुनिया में, जो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही नहीं चलती, द्वापर कलयुग में भी देश देशांतर में कौन सा राज्य चलता है, राम राज्य जिसे कहा जाता है, उसकी निशानी चलती है राजाओं का राज्य। अंतिम 200-150 वर्षों के अंदर जो 3 डायनेस्टी अंतिम तैयार होती हैं, वो सब खंडित डायनेस्टी, वो राजाओं का राज्य टूट टूट करके हर देश में क्या बन जाता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बन जाता है। इसलिए वो 3 राजाइयां त्रेता युग में जुड़ी हुई है विधर्मियों के बीजों की, विनाशकारी है। बहुत
हैं वो भी विनाशकारियों के बीज विनाशकारियों का हाँ जी और यहाँ के ब्राह्मण बच्चे जो बीज बनते हैं ये सब नव कुरियों में बांटा गया है क्या बनते हैं बीज हाँ जी बीज बीज रूप के बच्चे हाँ वो सब नव कुरियों में बांटा गए हैं हाँ जी तो जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होगी तब ये बीज सब सिर्फ अपने अपने धर्म में ही जन्म लेंगे या अन्य अन्य धर्म में भी जाएंगे बताया है ना शास्त्रों में कि नौ ऋषियों से नौ प्रकार के गोत्र बनते हैं जैसे इब्राहिम गौतम बुद्ध कहा जाता है गौतम ऋषि तो जिसमें प्रवेश करता है वो तो आधारभूत नारायण है लेकिन उसके शरीर को जन्म देने वाला जो है वो बीज है वो बीज पहला बीज है जिसमें पहला विधर्मी धर्म पिता प्रवेश करता है उसके बाद फिर आठ बीज और भी है आठ नहीं सात बीज जिनमें दूसरे धर्म पिता हैं जिनके जन्म देने वाले शरीरों में प्रवेश करते हैं अर्थात आधारभूत नारायणों में प्रवेश करते हैं तो उन्हीं के आधार पर ये अनेक प्रकार के धर्मों का हिसाब बन जाता है इस्लाम धर्म का बीज है बौद्ध धर्म का बीज है क्रिश्चियन धर्म का बीज है फिर उनके सहयोगी बीज है इस्लाम धर्म का बीज है मुस्लिम धर्म जो मुस्लिम धर्म का मोहम्मद है वो भी किसी नारायण में ही प्रवेश करेगा ना साढ़े चार लाख जो बच्चे हैं उन साढ़े चार लाख बीजों में भी कैटेगरीज है कोई एक कैटेगरी की नहीं है क्या कोई सूर्यवंशी की असल कैटेगरी के कोई चंद्रवंशी कैटेगरी के हैं कोई बौद्धिवंशी कैटेगरी के हैं तो जो बाप के वंश के असल कैटेगरी है वो सदैव बाप के साथ रहते हैं चंद्रवंशी कैटेगरी के होंगे तो चंद्रवंश में द्वापर युग से अलग हो जाएंगे इस्लाम वंश की कैटेगरी के होंगे तो इस्लाम धर्म में उनके उनके अपने धर्म पिता को सहयोग देंगे सूर्यवंश और चंद्रवंश को सहयोग नहीं देंगे वैसे ही परिवर्तन होता रहता है माना यहाँ जो जिस धर्म से या जिस धर्म के बीज से या जिस धर्म के आधारभूत से प्रभावित हो जाते हैं वो वहाँ भी जाकर उस धर्म के से प्रभावित होते रहेंगे मान लो चंद्रवंश का जो बीज होगा और चंद्रवंश का जो बड़े से बड़ा ग्रुप है महान आत्माओं का कितने का है 12 आत्मा उन 12 आत्माओं का मुखिया कौन जगदम्बा तो जगदम्बा जो है वो चंद्रवंश का बीज हुआ या किसी दूसरे धर्म का बीज हुआ है चंद्रवंश का बीज हुआ अब संगम युग में अगर चंद्रवंश का बीज सूर्यवंश के बीजों से कट होकर के अलग ग्रुप बनाता है तो द्वैतवाद पैदा हो गया या नहीं हो गया द्वैतवाद माना स्थिति द्वैतवाद किससे पैदा होता है स्थिति से और अद्वैतवाद अदिति माना खंडन न करे बाप की बातों को जो भी खंडन करे वो सब विधर्मी हो जाते हैं चंद्रवंश तब तक विधर्मी नहीं होता जब तक ज्ञान सूर्य का सहयोग करता है सहयोगी है तो खंडन करने वाला नहीं है और द्वापर युग से वो भी खंडन करने वाला बन जाता है किसका सहयोग करेगा जो सब धर्मों की माँ है जब इस्लाम धर्म शुरू होगा तो किसको सहयोग देगा
इस्लाम धर्म तो सही हो जाएगा, तो वहीं से खंडन हो जाता है। बाबा आज के मुरली में बाबा ने जगदम्बा को सर्टिफिकेट देने को बोला है, आज के मुरली में बाबा ने जगदम्बा को सर्टिफिकेट देने को कहा है। हाँ जी, आह्वान करने के लिए नहीं बोला, क्या कहा? हाँ, आह्वान करने का मतलब ये है कि बाप के नजदीक आ जाए, बाप की बातों को माने, ऐसे नहीं सीधे आकर के हमको पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने लग जाए, हमारी पालना करने लग जाए। वहीं रह के परिवर्तन हो जाए, वहाँ रह के परिवर्तन हो जाए या नजदीक आके परिवर्तन हो जाए, माने सहयोगी बने, विपरीत योगी वियोगी न बने, वियोगी न बने। तो विजय माला को आह्वान करना, विजय माला को आह्वान करना, वो तो सदैव वियोगी है, मनसा से पहले वियोगी, अभी भी योगी, तन से बंधन में है, वो भी ज्ञान न होने के कारण। जब ज्ञान अच्छी तरह से कोई पकड़ लेगा तो बकरी किसके कंट्रोल में आ जाएगी? पकड़ने वाले के कंट्रोल में आ जाएगी। तो पकड़ लिया था ना? नहीं है, कैसे आपको कैसे सपना आया या साक्षात्कार हुआ है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, माने ये थोड़े ही कहा कि लक्ष्मी नारायण विष्णु बन जाएंगे, राज्य आ जाएगा, माने मनसा की बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। उसको मन में भी आना चाहिए ना? आप बताइए, वो मनसा की बात है या प्रैक्टिकल बात है? मनसा की बात है, मनसा की बात माना उस माता के कंट्रोल में जो होंगे, संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं, हाँ। वो उसकी बात मानने वाली होंगी, वो इंतजार कर रही होंगी, ये जब निकलेगी तो हम भी, हम दूसरी तरफ नहीं जाने वाले हैं, हम इसके साथ रहेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनको ही फॉलो करेंगे। नारायण भी हमारे सामने आ जाए तो हम मानने वाले नहीं है। सिर्फ इस रूप में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो गया, मनसा के आधार पर, बहुत बौद्धिक रीत से। और लक्ष्मी नारायण का प्रज्ञा जो होते हैं ना सूर्यवंशी, सूर्यवंशी जो होते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण के अंडर में ही रहेंगे संगम युग में, जो सूर्यवंशी पक्के होंगे तो लक्ष्मी नारायण के अंदर में ही रहेंगे ना? लक्ष्मी नारायण के अंदर में रहेंगे, ठीक है, लक्ष्मी नारायण के भी अंदर में रहेंगे कहेंगे। लेकिन बाबा जब सतयुग शुरू होता है, ब्रह्मा सरस्वती और दूसरे धर्म का जब रूल शुरू होता है ना बाबा, सतयुग शुरू होता है तो दूसरे धर्म कहाँ से आ गए? नहीं, सतयुग जब शुरू होता है ना, जब जैसे कुमारिका दादी है और बौद्ध धर्म वाले है, वो तो रहते ही नहीं, दूसरे धर्म के वाले कहाँ रहते हैं बाबा? उनका वो लोग बैठते हैं ना सतयुग आदि जब होता है तो सिर्फ सूर्यवंशियों का राज्य होता है। लेकिन सेकंड तो गिरती कला की बात करो ना, चौथाई जब गिरती कला हो जाती है सतयुग में, हाँ, तब सूर्यवंशी आत्माओं का क्या पार्ट रहेगा? तब सूर्यवंशी आत्माएं नीचे उतरते जाएंगी, हर जन्म में उनके ही बने रहेंगे क्या? सूर्यवंशी आत्माएं भी उनको कंट्रोल में आ जाएंगी, सूर्यवंशी आत्माएं उनके कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी, उनके बड़े बड़े राज्य अधिकारी बन करके रहेंगे, आखिरी जन्म में प्रजावर्ग में चली जाएगी वो आत्मा। त्रेता के पहले जन्म में राम राजा जो था सतयुग में, वो क्या बन जाएगा? राम प्रजा, प्रजा भी कैसी? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है क्या? प्रजा भी ऐसी साधारण नहीं बनेगी, प्रजा भी जो प्रजावर्ग के साहूकार होंगे फर्स्ट क्लास, उन सब के ऊंची स्टेज में रहने वाली प्रजा। सेकंड नारायण के अंडर में रहना पड़ेगा राज्य अधिकारी बनने के लिए? अंडर में रहा कि अंडर में कर लिया? नहीं, राम का बात नहीं है, राम और किसकी? वो सोने सोला कला तो राजा बन जाता है सेकंड नारायण, तब जो राज्य अधिकारी बनते हैं सूर्यवंशी, तो वो राजा का अंडर रहना, अंडर रहना पड़ता है। और क्या हर जन्म में कोई महाराजा बन के रह सकता है क्या? ये तो बेइंसाफी हो गई, फिर तो कोई कहेगा कि हमें नहीं जन्म लेना राज्य हो सीखना। अरे राज्य सीखने से फायदा क्या, जब हर जन्म में हमको आधीन हो गए, कोई फायदा हुआ? हाँ, जो पहले जन्म में ऊंचा, वो फिर एक युग में नीचे उतरता जाएगा, ब्रह्मा की आत्मा राधा कृष्ण बन करके लक्ष्मी नारायण बनेगी, ब्रह्मा सरस्वती, वो भी अगले जन्म में क्या होगा है, नीचे गिरते जाएगी।
सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, ऐसे हो सकता है क्या कि हर आत्मा एक ही स्टेज में बनी रहे? मना पौने 16 कला का जो आत्माएं कलाएं सबकी गिरेंगी, तो उस समय ये जो सूर्यवंशी पहले के आत्माएं पहले उनकी भी कलाएं गिरेंगी, उनको वो सोना कोले सोना कले से और थोड़ा कम हो जाएगी परसेंटेज में, सबकी कलाएं गिरेंगी, एक जैसी कलाएं ही गिरेंगी, लेकिन पद में अंतर होगा। और कश्मीर यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, जो अभी अभी ज्ञान में आ रहे हैं वो सतो प्रधान होंगे, या जो पुराने ज्ञान में चल रहे हैं वो उनसे ज्यादा सतो प्रधान होंगे। जो अभी अभी आ रहे हैं सतो प्रधान होते हैं, यहाँ ज्ञान में उतरते हैं और वहाँ परमधाम से उतरते हैं, शूटिंग तो होती है ना। और कश्मीर देश में सूरज नहीं आना बाबा, रोशनी नहीं आना, इसको मतलब देश में रोशनी नहीं आना, सूरज वहाँ सूरज उगता नहीं है। तो कितने कह दिया आपने कि कश्मीर में सूरज नहीं उगता? अरे कहाँ सुना, मुरली में सुना, किसी व्यक्ति से सुना या टीवी में देखा, कहाँ देखा? व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने बोला, तो सुनाई बातों पर विश्वास ही नहीं करना, अखबारों पर भी विश्वास नहीं करना, अखबार भी आजकल पैसे लेकर के बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ जी, अकालन अपने शरीर से उठते हैं, जोर से बोलो, जो अकालन अपने शरीर से उठते हैं, हाँ जी, वो महापापी उनके रूप में आ गए हैं ना, ठीक है, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, ठीक है, तो सरेंडर होकर के शरीर जोड़ते हैं, सूर्यवंशी नहीं है क्या? सूर्यवंशी कैसे होगा धारण? सरेंडर होने वाले जो हैं बीज रूप में या बेसिक नॉलेज है या एडवांस नॉलेज? सरेंडर कौन से सरेंडर की बात कर रहे हैं, जो बीज रूप एडवांस नॉलेज एडवांस में, एडवांस में अलग अलग धर्मों के बीज नहीं है, है? तो फिर वो शरीर जोड़ेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा? माना जो शरीर जोड़ते हैं, अरे जो सूर्यवंशी बीज होंगे और जो इस्लाम धर्मवंशी बीज होंगे और जो नीचे से नीचे वंश वाले बीज होंगे उनमें अंतर नहीं होगा? पाप कर्म करने में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। सूर्यवंशी भी सबसे देर धारण करते हैं क्या? सूर्यवंशी जो असल पक्के सूर्यवंशी है वो इतने खराब कर्म करते ही नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े वो उनकी निशानी होगी, वो निर्बंधन होंगे इस आखिरी जन्म में। माना पक्का सूर्यवंशी माना 25,000 है, वो तो प्रजावर्ग हो गई, प्रजावर्ग 25,000 होता है, कितना होता है, लाखों की तादाद में होते हैं प्रजावर्ग में, राजाएं तो बहुत थोड़े होते हैं। हनुमान को क्यों दीवार पर चिपके हुए दिखाते हैं? उनकी जब तक पूछड़ी है तब तक विवरों की दीवार में चिपके हुए रहते हैं, या तो सड़कों पर उनकी मूर्ति खड़ी कर दी जाती है, आंध्रा में ज्यादातर सड़कों पर खड़े रहते हैं, जब आंध्रा की चक्कर लगाए होंगे ना हनुमान जी ने तो सड़कों को डोलते हुए रहते होंगे, सड़कों में या रेल की पटरी पर। बाबा गली गली में गीता पत्रा खुलेगा बोलते हो, कब खुलेगा? गली गली में तब खुलेगा जब चारों तरफ गली गली में आवाज पहुँच जाएगा। वो कब पहुँचेगा? अरे आवाज पहुँचने का टाइम नहीं मालूम, नहीं मालूम है बात की प्रत्यक्षता कब होगी, या आप पता नहीं चला बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता कब होगी? 2018 में प्रत्यक्षता होगी तो गली गली में गीता पाठशाला हो जाएगी, तभी होगा 2018 में होगा, अभी नहीं होगा। हाँ जी, पुरुषोत्तम 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 गड़ी है ना, तो 2018 में हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, माना जब बाकी प्रतिशतता होता है, जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ ना, तब फिर उसका शैंपल हुआ ना,
हिंदू चार सौ माताएं जो है वो बाकी तो भाग गई ना, तो ऐसे ही अभी आधी सौ अंक होनी चाहिए, तो चार सौ ही भाग गई। हाँ मैंने अभी 16,108 भागते हैं। हाँ तो फिर 16,108 की भागंती आनी चाहिए ना अखबारों में। मैंने जो 2018 के पहले हो जाता है। हाँ मैंने क्या सोच रहे हैं तभी भागने का काम करना है, गुमसारा भरा रहे हैं कि हम कब भागे। आप पूछ रहे क्या चाहते हैं? मना ये 16,108 जो है जब तो मना जब आदि में तो सबको कन्या माताओं का बंधन आएगा बाबा, तो सात सौ ताला लगा के रखा उन लोगों को, बाद में ऐसा एक मौका मिला वो लोग भाग गए ना। ठीक है ऐसे ही अभी 2018 के अंदर सभी भागेगी क्या 16,108? कोई निर्बंधन होने की ऐसी स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी? जब आज में आई थी ब्राह्मणों की दुनिया में तो अंत में ऐसी स्टेज नहीं आवेगी? आवेगी लेकिन 2018 के अंदर ही आएगी। मैंने 2018 के बाद ना अंदर 2018 के बाद तो प्रतिष्ठा हो जानी है, फिर उसके अंदर हो जाता है ना ये काम। ओके ठीक है, मैं हिसाब लगा रहा है कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होते हैं फिर करेगो कब। जो अच्छा काम करना है वो तुरंत कर देना चाहिए, अपना संकल्प ही अपने को फेल कर देता है। कोई कार्य की सिद्धि करनी हो तो उसमें अपना संकल्प काम करता है या किसी दूसरे का संकल्प या बाचा काम करती है? अपना संकल्प ही अपने को पाल या फेल या पाक करता है। सोलह हजार एक सौ आठ में सारे कन्याएं आएंगे क्या माता भी आएंगी? क्या माताएं सरेंडर नहीं हो रही हैं? और जो कन्याएं हैं क्या वो पक्का है उनके माथे पे लिखा हुआ कन्याएं हैं या पहले से माताएं हैं या नहीं है? कन्याएं होंगी आज की दुनिया ऐसी है। मुर्गी में तो बोलते हैं कोई मामा खराब कर देता, कोई चाचा खराब कर देता, कोई पापा खराब कर देता, तो कन्या रही या माता हो गई? माता। तो कोई कन्याएं भी हैं और कोई माता है। ये भी नहीं कह सकते कि माताओं की संख्या कम है, नहीं माताओं की संख्या भी है। माताएं ज्यादा होती हैं या कम होती हैं? इस ज्ञान में माताएं ज्यादा होती हैं या कन्याएं ज्यादा होती हैं या कुमार ज्यादा होते हैं या अगर कुमार ज्यादा होते हैं? माताओं की संख्या ज्यादा होती है तो एडवांस में माताओं की संख्या ज्यादा है। कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता कि ये कन्या है या माता है, ये किसी को कहने का अधिकार नहीं है। और कन्या है अभी जो नागेंद्र माता है बाबा के साथ रही है वो इन्हें आना जाना कर रही है। नान सरेंडर माताएं और सरेंडर माताएं, वो सरेंडर कागज पर लिखने से कोई सरेंडर हो जाता है क्या? कागज पर सरेंडर लिख दिया और बात कोई भी नहीं मानता है, सब अपोजिशन में काम करता है, अपोजिशन में बातें करता है, तो उसको सरेंडर कहेंगे नान सरेंडर कहेंगे? तो नान सरेंडर होता तो अच्छा था। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो मुए भले तो बढ़िया, मर गए होते तो अच्छा होता। बाबा परेशान होते हैं हो जाते हैं ऐसे दम चक्कर मचाने वालों से। और तो फिर बाबा वो नॉन सरेंडर और सरेंडर में फर्क क्या है? नंबर वार ना अव्वल नंबर 100% सरेंडर कौन होगी पहले? अगर नहीं रहा और वो पहले सरेंडर ना हो तो सरस्वती रानी की लिस्ट में कैसे आ जाएगी? आ जाएगी नहीं आएगी? माना अभी सरेंडर नहीं हुआ तो भी आना जाना करते हैं। जो लास्ट में सरेंडर होंगे और फास्ट में श्रीमत पर चलकर दिखाएंगे तो अव्वल नंबर सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। माना बाबा अभी एनएस की बात करें, एनएस हो या कहीं है तो बात सरेंडर की हो रही है। एनएस में डायरेक्ट सरेंडर करने वाले तो कोई जाते ही नहीं, और जो चले जाते हैं तो समझो बहुत भाग्यवान, अभी अभी सरेंडर हुए अभी अभी चले गए।
ज्ञान सुनने के काम का अभ्यास भी हो सकती है क्या? माना हम जब हम मुझे इसके लिए सुनते हैं देखते हैं क्या उस समय याद नहीं होगी? मुरली सुनने के लिए कहा है कि कोई काम नहीं करना चाहिए उस समय सिवाय मुरली सुनने के? क्या कोई स्वेटर बुनता रहे? वो नहीं चलता है। माने कोई स्वेटर भी बुनता रहे और मुरली भी सुनता रहे, इसका मतलब उसकी बुद्धि में उतना निश्चय नहीं बैठा है कि ईश्वरीय वाणी क्या चीज होती है। ईश्वरीय वाणी सुनते समय कोई काम नहीं करना। हाँ, याद करते समय कोई काम करते रहे तो कोई बाधा? कोई बाधा नहीं। ये तो प्रैक्टिस डालनी है, याद करते हुए कर्म करना है। लेकिन ज्ञान बाबा की मुरली सुनते समय कोई कर्म नहीं करना चाहिए। एक पवित्र संगठन तैयार होने पर एक दो को भूल करके एक पवित्र संगठन तैयार होने पर एक दो को भूल करके एक तो अच्छी माला बन जाएगा। तो पवित्र एक संग पवित्र संगठन को 12 चीजें होते हैं ना, एक जगह 8 तो बनते हैं। 8 इकट्ठे नहीं बन सकते? 8 भी इकट्ठे तब कहे जाए जबकि विनाशकारी भी उसमें शामिल हो जाए। स्थापना जो है, स्थापना पालना प्रत्यक्ष हो सकती है जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो। स्थापना करने वाले मन के और पालना करने वाले मन के इकट्ठे हो जाएं, और जो पापाचारी दुनिया है उसका विनाश न हो, जो गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाली है, तो आज की अवस्था बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसलिए वो 4 का काम भी संपन्न होना चाहिए। कौन से 4? जो नष्ट देव विनाशकारी है, जो सारे विरोध करने वाले सूर्यवंशियों की दुनिया में है, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, या सूर्यवंशियों के अंदर प्रजावर्ग वाले भी हो, क्यों न हो, अगर विरोध करने वाले हैं वो सब अनिश्चय बुद्धि बन जाए, ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाए वो 4। संगठन तो तभी ही कहा जाएगा 12 का, जबकि स्थापनाकारी, विनाशकारी और कल्याणकारी, माना पालना करने वाले, तीनों ही मिलकर के एक हो जाए। अभी नहीं हुआ है। ब्रह्मा का गुरु ब्रह्म समाजी तैयार हो गए, विष्णु का ग्रुप वैष्णव संप्रदाय पालना करने वाले तैयार हो गए, लेकिन शंकर जी के फॉलोअर तो तैयार नहीं हुए और वो मिस नहीं हुए, तो नई दुनिया बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बन सकता। जो बिना जाति तो क्यों रुका हुआ है? रुका हुआ है विनाशकारी तो अभी तैयार हुआ है, लेकिन स्थापना करने वालों के लिए रुका हुआ बताए। हाँ, इसलिए तो रुका हुआ है कि स्थापना करने वाले जैसी स्थापना करना चाहिए वैसी नहीं किया। उनके अंदर जो भावना है, शुभ भावना और शुभ कामना, वो विनाशकारियों के प्रति उतनी अच्छी नहीं बनी है। जो विनाशकारी परिवार के 4 हैं, भले छोटे भाई हैं, नष्ट देव हैं, लेकिन हैं कहाँ के? हैं तो परिवार के हैं ना। नियम तो पहले से बनाया हुआ है कि उनको भी कार्य करना है, भले टट्टी साफ करने का काम करना है, मुर्दे उठाने का काम करना है, लेकिन वो काम हुए बगैर परिवार का काम पूरा हो जाएगा? दुनिया बन जाएगी? दुनिया में चांडाल नहीं चाहिए? सफाई करने वाले नहीं चाहिए क्या? चाहिए, तो उनको भी साथ लेकर के चलना है। ये नहीं हरिजन जैसे हरिजनों से लोग करते हैं, नीची जात वालों के प्रति लोग ऊंची जाति वाले करते हैं, अच्छे 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 दूर रहो दूर रहो दूर रहो, ये तो भावना शुभकामना की निशानी है। लेकिन वो तो यहाँ भगवान की बनी बनाई घर घर को तोड़ लेते हैं नष्ट करने की। आज में भी तोड़ा था, 76 में भी तोड़ा था, और लास्ट में भी तोड़ेंगे। वो सीढ़ी में जो टीम कटी हुई थी सीढ़ी उनका ही। हाँ, तो वो अपनी राजा ही चट करेंगे, इसमें दूसरों को क्या बिगड़ता है? दिखाते है ना बाबा। हाँ। तो जब
डायग्रामा में वापर प्रजाशिता और उनकी जो ग्रुप है भारतीय वंशियों का राज्य स्थापन करने के लिए साथ ले जाते हैं। तो जब राज्य स्थापन करते हैं नक्सलियों जो है वहाँ भी नष्ट करने का काम करेगा। स्थापना करने के टाइम में स्थापना करेंगे नष्ट करेंगे। 75 में जो तीन थे विनाशकारी उन्होंने स्थापना की थी या विनाश कर दिया? बाद में स्थापन होने के बाद नष्टी हुई। जब लास्ट में टाइम आएगा मान लो इस्लाम धर्म बन चुके हैं तो बाबर के टाइम पर तो सहयोगी ही बनेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला का राज्य जब आएगा तो क्या बनेंगे? तो विनाशकारी बनेंगे। वहाँ भी वो अभी संगमय में जो बाप को अधूरा प्रत्यक्ष किया थोड़े समय के लिए माना अभी अंत में वो संगठन नहीं बनाएंगे थोड़ा माना किसी को वो नष्ट करने की काम ही करेंगे और कुछ सेवन फर्स्ट क्लास रह जाएगा। 8 ही 8 रह गए और बाकी सब विरोधी खलास हो गए। विरोधी सब खलास हो गए और जो सहयोगी थे आदि में वो सहयोगी फिर रह गए तो 12 ही तो बचेंगे और कौन बचेंगे? आदि वाली अंत में बचेंगे कि नहीं बचेंगे? चलो विनाशकारी ही सही लेकिन थे तो राम के भाई। इसलिए दिल्ली वालों का बहुत भाग्य है। दिल्ली वालों के लिए कहा दिल्ली ने स्थापना के कार्य में आदि में बीज डाला है मौके पर तो अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी है। वो क्या संगठन बना? संगठन तो बना हुआ तैयार हो जाएगा करने के लिए। लेकिन जो कचरा है उसको साफ कर देंगे। महाकाली का काम है कचरा साफ करना और लक्ष्मी का काम है पालना करना। बाबा मुरली सुनते क्यों नहीं दूसरा काम करना चाहिए? अच्छा माना बाबा की जो वाणी है उससे प्यार नहीं है? मुरली से प्यार माना मुरली से प्यार नहीं है? जब मुरलीधर से प्यार है तो मुरलीधर से ही प्यार करना चाहिए। काम महाशत्रु से प्यार करना है? कान सुनते रहते हैं। कान किसकी वाणी सुनते हैं? बाबा का। और आँख से किसको देखते हैं? बाबा। फिर मन को देख सकते हैं ना काम मन बुद्धि से भी देखे और जो वाचा है वो भी अंदर अंदर उसी की सीमेंट में लगाए दूसरे काम में क्यों लगाए? अगर विचारी ज्ञान होगा स्वेटर बुन रहे हैं बुद्धि बुनने में जाएगी कि नहीं? तो बुद्धियोग विचारी हुआ या विचारी हुआ? विचारी हो गया। अगर विचारी ज्ञान सुना तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विचारी रिजल्ट होगा। खाना बनाता ना उस टाइम खान वो तो याद की बात हो गई। नहीं वहाँ से भी डाल के रहता है खाना बनाता रहता है वो बात हो ही नहीं सकती। जो वहाँ एक तो पहली बात सन्मुख वाणी नहीं है। वो जो सन्मुख वाणी चलती है उसमें तो विशेष ध्यान रखना है कि हम बाबा क्या जब इस समय वाणी सुन रहे हैं उस समय कोई भी दूसरा कार्य न करे। जो आश्चर्य परमात्मा के नजदीक जितना रहते हैं उतना जगदम्बा भी नहीं रहते वैष्णव भी नहीं रहते बताया। लेकिन ये भी बाबा बताए हैं कि जो वैष्णवी जो है जन्म जन्म शंभु को ही वर्ण करते हैं। ठीक है जन्म जन्म शंभु को 84 जन्म वर्ण करती है क्या? अरे 84 जन्म वर्ण करती है नहीं। बाकी जो अष्टदेव हैं वो तो कोई भी संबंध में हो तो भी साथ किसके रहेंगे? बाप के साथ रहने वाले। माना वैष्णवी भी जन्म जन्म एक के साथ ही नहीं रहेंगे। वो तो संबंध की बात पति पत्नी के संबंध में जिसमें ज्यादा चेप लगता है संघ का रंग जिसमें जाती असर करता है उस संबंध की बात बताई। और वो संबंध हर जन्म में नहीं होता है दूसरे संबंध में ही नजदीक रहेंगे ना। अब अगर नहीं बनेंगे तो सन्यासी बनेगी न तो रहो कुंवारी सारे जीवन अगर सन्यासी बन के रही जैसे अभी सन्यासी है कि प्रवृत्ति में सन्यासी है तब कई ना कई संबंधों में बात कोई ना कोई संबंध में नजदीक रहेंगे। बाबा सुबह का मुरली सुबह का मुरली समय में कॉन्सेंट्रेशन से सुन जाए बाद में कभी बीच में 24 घंटे में एक बार भी बाप की मुरली को ध्यान से सुनना चाहिए।
हाँ वो तो ठीक है वो सुबह का क्लास ठीक से सुनना चाहिए ना। हाँ दूसरा जो कभी कभी टाइम पास के लिए लगा लेता है 24 घंटे लगाए रखो तो कार पर जाएंगे बे लगाओ तो सुनने के। अगर 24 घंटे तुम ऐसे ही लगा दिया बाबा दीवानी चल रही है और हम रावण का काम कर रहे हैं तो संस्कार कैसे पड़ेंगे। याद का टेंशन तो ऐसा तो फर्क पड़ता है ना जो याद कैसे करे याद की यात्रा में रहना माना तो याद वो तो कहा है कर्मयोग करना ही करना है क्या। हाँ अकेला बुद्धि योग वो ठीक नहीं है वो निवृत्ति मार्ग हो गया। हमारा कर्म योग है कर्म और योग दोनों चाहिए। हाँ जी शंकर को पार्वती के ऊपर सीधा हो गया वीर गिरा तब विद्युत पैदा हुआ ऐसे बोला है मुरली में और ये भी बोला है कि शंकर पार्वती को इधर नहीं सुनेंगे तो फिदा हो गया वो शास्त्रों में भक्तों ने लिखा है या बाबा ने बताया भक्तों की बात बताई माना विष्णु पार्टी का एक फिल्म है कैसेट में सुना उसमें भी ये बोला है कि जब शंकर उल्टा कर्म करता है पैदा होता है बताया उल्टा कर्म क्या होता है। उल्टा कर्म यही होता है तुम सब पार्वतियाँ हो क्या अब पार्वतियाँ नंबर वार है कि एक जैसी तो शंकर तो अव्वल नंबर है या नंबर वार शंकर है वो तो नेक्स्ट टू गॉड एक ही है तो जब एक है तो उसका संगी साथी भी कैसा हो ऐसा ही श्रेष्ठ होना चाहिए ना। अगर वैसा ही संगी साथी श्रेष्ठ होगा श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा तो बिच्छू तिंदुर पैदा होंगे या देवताएं पैदा होंगे। अगर आदिति की संगी साथी होंगे तो अतिथि माने अद्वैत पैदा होंगे और दिति के संगी साथी होंगे तो द्वैतवादी जरूर पैदा होंगे द्वैतवादी माने दैत्य और वो भी जरूरी है। अगर वो दैत्य पैदा ना हो तो नई दुनिया कभी भी स्थापन हुई देखने में नहीं आवेगी। दिति से जो पैदा हुआ वो नष्ट देव है दिति से दैत्य पैदा हुए नष्टदेव हो गया एक ही चला। हाँ जी हाँ जी दिति से ज्ञान लिया क्या जन्म लिया। हाँ दिति से दैत्य जो है आदिति से जन्म लिया आदिति से जन्म लेते हैं माना वैष्णवी देव से ज्ञान नहीं आदिति से जन्म लेते हैं माना उनकी जो परिपूर्णता होती है वो उस शक्ति के आधार पर होती है जो ये चंद्रवंश की बीज है। हाँ जी बाबा हाँ अभी एक आदमी को 90 वर्ष है 90 ईयर्स वो पकड़ वो बाप को बच्चे बराबर पकड़ती है उसका वो एडवांस में चलता है वो अभी शरीर छोड़ रहा है क्या वो दूसरा जन्म लेके क्या हुआ सूक्ष्म शरीर चलता है क्या। अगर अकाले मौत शरीर छोड़ा है तो सूक्ष्म शरीर धारण करेगा थोड़े समय के लिए नहीं नेचुरल डेथ होता है नेचुरल डेथ होता है तो शरीर धारण करेगा शरीर धारण करेगा एडवांस में चलेगा फिर भी एक बार शरीर छोड़े तो अब फिर भी एक बार शरीर छोड़े तो उसके बाद फिर भी एक बार शरीर छोड़े तो निश्चय तुम बच्चों में कोई कोई 2-3 बार जन्म भी लेते हैं बस ज्यादा से ज्यादा 2 बार संगम युग में और उससे भी ज्यादा 3 बार बस एडवांस में तो 2 बार हो गया। हाँ 2 बार जो मिस हो गया तो 3 आदि में भी होने चाहिए और फिर अंत में भी होने चाहिए। और कर्म योग से हिसाब से सब कुछ तो करना या तो कर्म भोग से कुछ तो करना या तो धर्मराज की सजा उठाना पड़ता है। लेकिन बाबा जो बीमारी आते हैं वो कर्म भोग कर्म भोग तो धर्मराज की सजा उनसे कम होते हैं बताए ठीक है। माना ये भी बाबा बोलते हैं कि जो बीमारी दुखी परेशान हो रही है वो तो श्रीमत को नहीं चल रही है बताया। ये बताया जो बीमार बीमार दुखी रोगी परेशान रहते हैं क्या वो श्रीमत पर न चलते हैं वो ही रहते हैं।
मन इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो बीमारी से लंबी तभी सुस्त हो रही है, तो इसका जीवन भर बीमारी बीमारी चलती रहे, दुखी ही दुखी नजर आता है, तो वाइब्रेशन कैसे छोड़ेगा? दुख कहीं छोड़ेगा? धर्मराज सजाएं खाने वाले कैसे वाइब्रेशन छोड़ेंगे? दुख कहीं वाइब्रेशन छोड़ेंगे, फायदा क्या हुआ? आज में भी दुखी तो अंत में भी दुखी, और वो तो लगातार दुखी। नहीं, आज किताब यही बताया कि श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। धर्मराज की इज्जत नहीं हो रही? क्यों नहीं? उनका उनको और उनको भी सजा मिल सकती है जो बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहते हैं, क्योंकि खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं, तो धर्मराज सजा के हकदार नहीं बनेंगे? बाबा ये मास्टर पूछती है, अभी किसी को 80-90 साल हुआ होंगे, अभी आके वो एडवांस क्या लिया है ले तो पूर्व जो सकते थे हैं? वो पूर्व जो होंगे पूर्वज होते हैं पहले जन्म में थे, अगर एडवांस में आए हैं तो पहले जन्म में जरूरी थे, भले थोड़े समय के लिए रहे हो। उनको अभी तो 80-90 ये तो हो गया। अच्छा 80-90 की जो इस समय वो पूर्व जन्म में भले न हो ज्ञान में, लेकिन प्रजापिता के साथ जरूर रहे होंगे, वो संस्कार उनमें जरूर रहे होंगे संग साथ के। और धर्मराज की होते हैं बाबा बताए उनका चित्र है, लेकिन बताए वो तो चित्र जो है सबका पिता की तरफ कुछ करते हैं ना, जो ही हिसाब किताब चुपटू करते हैं कि धर्मराज के दूत भी चुपटू करते हैं? हिसाब तो चित्रगुप्त तो मुखिया है उनमें, हेड क्लर्क आसमान में रहेंगे क्या मना जो वो सभी हिसाब करते हैं ना। अब कंप्यूटर है आजकल चल गया है, कंप्यूटर में सरेंडर्ड हो चाहे नॉन सरेंडर्ड हो गलतियां तो कर ही रहे हैं, और गलतियां एक एक ही कंप्यूटर में टाइप करते जाओ, झूठ होती जाए प्रूफ सहित, तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा तैयार नहीं हो रहा है? प्रूफ दिखा करके सजा दूंगा क्या? बिना प्रूफ और प्रमाण के सजा नहीं मिलती है। बाबा को लिख के देने से वो तो फाड़ देते हैं, वो तो ज्यादा ज्यादा साक्षात्कार में दिखा देंगे, वो तुमने ये दिया था गोता लेने नहीं, उसमें आधा क्षमा होता है, आधा माफ हो जाता है, फिर दोबारा दे दिया लिख करके, तो आधा ही माफ होगा, कुछ कम माफ होगा? पुरुषार्थ से कम होता है। हाँ, तो पुरुषार्थ भी कम होगा और माफ भी कम होगा, ऐसे ही 3 बार तक ज्यादा ज्यादा माफ, फिर बाद में तो माफ नहीं होगा। धर्मराज का पनिशमेंट अपन को ये मालूम पड़ेगा क्या? नहीं, सबको मालूम पड़ेगा, सबको मालूम पड़ेगा, तब तो पता चलेगा इनका ये पद है, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो चित्रगुप्त किसकर में कनेक्ट होगा? है चित्रगुप्त जो है किसकर में कनेक्ट होगा? धर्मराज कौन से धर्म कौन से धर्म का होगा? इस्लाम धर्म का होता है, कनेक्टेड होता है। आखिरी जन्म में कनेक्ट हो जाए तो क्या अंतर पड़ता है? मैंने चित्रगुप्त भी उस धर्म से ही है। जी होता है? अरे कोई हेड ऑफिस होता है क्या? उसमें एक ही लेखा जोखा करने वाला होता है, उसके सहयोगी भी होते हैं, सहयोगी होते हैं। बाबा 1972 में 2 सीट फिक्स हुआ था ना, 76 में 2 सीट फिक्स हुआ था, 1976 उसके बाद 3 सीट फिक्स हो गया, वैसा भी बताया। तीसरा सीट तो छोटी मम्मी है, ठीक है, छोटी मम्मी अरे 76 में कौन कौन से 2 थे? लक्ष्मी नारायण छोटी मम्मी नहीं थी, लक्ष्मी तो बड़ी मम्मी बना दिया, छोटी मम्मी है, छोटी मम्मी के अंदर शिव बाप प्रवेश नहीं होता है ना, तो ठीक है नहीं होते, उससे क्या अंतर पड़ता है? वो कैसे बना है ना, मना भगवान आकर के जो कार्य करता है वो सिर्फ बाचा चलाने का ही काम करता है,
शिव भगवान आकर के सिर्फ मनसा चलाने का ही काम करता है, वाचा चलाने का ही काम करता है, या प्रैक्टिकल कर्म भी करता है? तो प्रैक्टिकल कर्म विष्णु के द्वारा कौन करके दिखाता है? छोटी माँ या बड़ी माँ या बाप? छोटी माँ ही जो करती है वो तेजस्वी रूप में क्यों नहीं करके दिखा दिए? धर्मराज को देखे तो सभी डरते हैं ना, क्योंकि वो दंड देने वाला है। जो 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 चोर नहीं होंगे, डकैत नहीं होंगे, लुच्चे लफंगे के काम नहीं किए होंगे, वो क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। तो अगर किसी को धर्मराज की दृष्टि नहीं होते शांति अनुभव होगी, उनको धर्मराज की सजा नहीं, धर्मराज की दृष्टि लेनी है, दृष्टि नहीं लेनी है। धर्मराज का नजदीक आने से उनको शांति का अनुभव होता है। जब जिसको सजा ही नहीं खानी है, जिसको सजा नहीं खानी है, तो वो शांति का अनुभव करेगा, अशांति का अनुभव करेगा? आठ के अलावा बाकी सब डरेंगे। जो आठ के लिस्ट में होंगे वो क्यों किसी से डरेंगे? सच तो बेटो लक्ष्य अंतिम में करोड़पति लखपति सभी ब्रह्म कुमार के पास बर्तन मांगने के लिए आते हैं। बर्तन मांगने के लिए वो उनमें बहुत तेरे खुशी खुशी करेंगे, खुशी खुशी बर्तन मलेंगे, चट्टी में पेशाब साफ करेंगे, या उनको दुख होगा? दुख होगा। उनमें इतना ज्ञान होगा कि भक्ति समाई हुई होगी कि अरे भगवान आया, भगवान को हमने इतना सेवा कर लिया। उनके अंदर भक्ति समाई हुई होगी या ज्ञान होगा? भक्ति समाई होगी तो खुशी होगी। भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती? वो नहीं मिलती। भगवान के भक्त भी है, भगवान की प्रजा भी है, भगवान के वारसदार भी है। लेकिन विकार तो अंदर नहीं आ सकते करके बोलते ना है? जो विकारों में होते वो अंदर आने वो विकारों में विकारों में जा रही वो अंदर होते हैं। भिखारी अंदर नहीं आ सकते, भिखारी से अच्छा बर्तन मांगना अच्छा करके वाणी में आया, बाद में बोला विकार में आने वाले तो बर्तन मांगने के लिए। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए तो भगवान आया हुआ है तो विकार उड़ जाएंगे या रह जाएंगे? उड़ जाएंगे। सतो पुराने स्टेज में होंगे उस समय। सन्यासी निकलेंगे हमारा बीच हो जाएगा जाएंगे। सन्यास धर्म का बीच तो गंगा जी है। अच्छा, तो गंगा को भी तो सन्यास धर्म का भी बीच जो है आश्चर्य में है। सन्यास धर्म का भी माना उनका भी बीच जो है आश्चर्य में है ना, माना उनमें कनेक्टेड जो आश्चर्य है, सन्यास धर्म में कनेक्टेड जो आश्चर्य है अग्नि का पाठ बजाने वाले। हाँ, तो अग्नि का पाठ बजाने वाले माना कन्या से अग्नि दिखाते हैं ना माना चित्र में, वो निकलने से जीत हो जाएंगे। अग्नि कैसे ना चित्र जो है ना बाकी का चित्र है ना। अच्छा, उसमें संजय पहला चित्र तो हो गया ईश्वर का, दूसरा चित्र हो गया कुबेर का, धर्मराज का, धर्मराज का हो गया, चौथा चौथा वरुण क्रिश्चियन कहाँ चला जाएगा? ऐसा सारे गुस्कार बनाने से फायदा नहीं, वो चित्र है भक्ति मार्ग के। हो सकता है कोई और चित्र निकल आए तो डब्बा गोल हो जाएगी कि नहीं? नहीं है क्या? भक्ति मार्ग में सब है भूसा, जितना बाबा बताए उतना बगर माना जो आश्चर्य में कन्या धर्म में कहीं से जो है जो भी चित्र मिले हैं अष्टदेवों के, वो मनुष्यों के बनाए हुए मिले हैं या बाबा ने उनका क्लरिफिकेशन दे दिया? मिले तो फिर माना वो चेंज हो जाएगा क्या? अगर कोई नया चित्र निकल आता है पुराने में पुराना और नई बात इलाज हो जाती है तब क्या करेंगे? इसलिए बाबा की मुरली पर, बाबा की अभ्यतवाणी पर, या बाबा के टीचर के रूप में दिए हुए क्लैरिफिकेशन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाकी चित्रों बाकी शास्त्रों उनमें सब में क्या भरा हुआ है?
दूसरा खाते नहीं बाबा नहीं बाबा कन्याकर में जो कनेक्टेड है अच्छा देर उनको क्या दिख रहे हैं अभी से है जब जैसा जैसा टाइम आएगा वैसा वैसा पटक होता जाएगा नहीं ये सब चिंतन करना है पर चिंतन हम क्या करें हम किस धर्म के हैं हम किस ग्रुप के हैं हाँ जी चिंतन नहीं करना है पर चिंतन करना है प्रचिंतन करना है नहीं करना है तो हमें अपने ग्रुप का पता चल गया जिसको अपने ग्रुप का पता चल जाएगा वो पहले अपने ग्रुप में बुद्धि चलाएगा या प्रचिंतन में बुद्धि चलाएगा पहले अपने बुद्धि चलाएगा आश्चर्य पूर्वज नहीं है आश्चर्य पूर्वज है ना पूर्वज है पूर्वज सबके पूर्वज है क्या हमारे सबके पूर्वज अलग अलग है कि एक ही है अलग अलग है पूर्वज माने सबसे पहले जो पैदा हुआ हो हमारे वंश एक का करना है वो भी ठीक है एक का करना है लेकिन एक का भी कौन करेंगे अंत तक एक का वही करेंगे जो उसी वंश के होंगे नहीं तो कुबेर के वंश के होंगे तो अंत में उनको कुबेर ही अच्छा लगेगा कोई दूसरा अच्छा भगवान जी करा है वो भी अच्छा नहीं लगेगा आत्मा अलग अलग हो जाती है ज्वाइंट हो जाती है हमेशा के लिए जंट हो जाती है हमेशा के लिए फिर पार्ट तो आत्मा का अलग अलग है ना क्षण क्षण का एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से मिल नहीं सके मान लो मुकर्रर रस है मुकर्रर रस वाली आत्मा है राम वाली और उसमें शिव प्रवेश करता है तो दोनों आत्माओं का पार्ट एक ही होगा या अलग अलग होगा फिर जब उनका ही पार्ट हमेशा अलग अलग है तो राम और कृष्ण की आत्माओं का पार्ट एक जैसा कैसे हो सकता है बाबा जो जिस पाटदारी है जैसा अभी आशीदेव या त्रिमूर्ति उनके बारे में चिंतन करना पुरुषार्थ करना ये ठीक है या पहले स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए ये रचयिता और रचना की नॉलेज है रचना है अनेक और रचयिता है एक तो जो रचयिता है उस रचयिता में अनेक रचना भी कमाई हुई है लेकिन बाप पांच सात के पार्ट ही बताते हैं सबके पार्ट नहीं बताते पांच सात में कौन कौन आ गए सात आ गए अच्छा देखो मैं एक तो मुख्य है ही बाप और बाकी सात और हो गए तो आठ हैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ फिर भी जब हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिला हुआ है तो औरों के चिंतन में क्यों जाए औरों के चिंतन में जाना माने हम और वंश के हैं और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं ये हमने स्वीकार कर लिया अगर हम अष्ट देवों में से जो चंद्रवंश का बीज है उसके चिंतन में लगे रहते हैं तो इससे क्या साबित होता है कि हमारी आत्मा ने क्या स्वीकार कर लिया हम भी उसको फॉलो हम पहले नंबर में तो पहुंचना मुश्किल है ऊंचे ऊंचे लक्ष्य तो लेना मुश्किल है लेकिन दूसरे को हम पटा सकते हैं अपने सहयोग में ले सकते हैं अरे वंशी सूर्यवंशी है लेकिन लास्ट में क्या होता है रिजल्ट क्या आता है एक जन्म में अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होते हैं ना कि एक ही धर्म में कन्वर्ट होते हैं फिर कोई गहरे गड्ढे में गिरता है कोई कम गहरे में गिरता है कोई उससे कम गहरे में गिरता है कोई बहुत थोड़े गड्ढे में थोड़ी देर के लिए गिरता है फिर में सभी एक हो जाते हैं बाद में तो सभी सारे एक हो जाएंगे नौनाथ एक नहीं हो जाएंगे फिर पहले असुदय तो होता है उनमें नंबर है कि नहीं तो एक बाप को आगे रख के स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए सदैव यही रहना चाहिए कि एक बाप दूसरा न कोई
नहीं तो ऊंचे तो ऊंचे भगवान क्यों कहा जाता है? माने तो माने भगवानों की जो लिस्ट है वो भी ऊंच से ऊंच और नीच से नीच भी है? नहीं फिर ऊंच से ऊंच कहने का मतलब क्या है? भगवान को ये भी कहा जाता है, एक ही होता है, लेकिन दुनिया में भगवानों की लिस्ट कितनी है? ढेर भगवान के, जितनी आत्मा है उतने भगवान बना दिए। तो ऊंच से ऊंच भी तो कोई एक होगा, वो एक है और बाकी सब नीचे से नीचे। इतना बड़ा इतना विस्तार से जो ज्ञान है ये सिर्फ टाइम पास के लिए, टाइम पास करते अच्छा, हमारे समझने समझाने के लिए नहीं है, समझने समझाने के लिए है, ये टाइम पास हो रहा है, मस्ती मार रहे नहीं बाबा। हमारा बुद्धि जैसा कहा जाता है, इतना विस्तार का जो ज्ञान है वो सब बेकार है, बेकार नहीं है। जो आत्मा विस्तार में नहीं जा सकेगी वो आत्मा उतने सार में भी नहीं टिक सकेगी। जो आत्मा जितना जास्ती सार में टिकने वाली होगी उतने ही जास्ती विस्तार में जाने वाली। जैसे बरगद का वृक्ष, उसका बीज जितना सार रूप होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म, उतना ही वृक्ष बड़ा होता है।